हाय गाइज, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे। इस वीडियो में हम लोग सर्च करने जा रहे हैं। पीएचपी MySQL के जरिए हम लोग अपने डेटाबेस रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दे रहे हैं, तो उसके साथ उसका आईडी है और उसका क्लास नेम है, ठीक है। एक स्टूडेंट का उसका क्लास स्टूडेंट नेम देंगे तो उसका क्लास, और या फिर उसका आईडी दे रहे हैं हम लोग तो उसका स्टूडेंट नेम आए और उसके साथ ही उसका क्लास नेम भी आए। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पे उसका नेम और क्लास नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सा एक फॉर्म है जो कि बूटस्ट्रैप से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म को ओपन किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म को ओपन किया गया है। फाइल का नेम है search.php। एक्शन इसी पेज पे होगा, मेथड इसका पोस्ट है। उसके साथ यहाँ पे इनपुट बॉक्स है टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। और इसका नेम हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं सर्च, या फिर हम लोग इसको नेम कर देते हैं। और यहाँ पे सबमिट का बटन है जिसका नेम सबमिट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म के नीचे पीएचपी को ओपन किया है, नीचे क्लोज किए हैं। उसके साथ ही हम लोगों ने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आईडी चाहिए फर्स्ट में, उसके बाद स्टूडेंट का नेम कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम लोग क्लास कर लेते हैं। स्टूडेंट का क्लास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब इसको कर लिए हैं, तो अब हम सबसे पहले इफ सेट का कमांड चलाएंगे। यहाँ पे इफ सेट का कमांड चलाएंगे, इफिशियट। और जो हम लोग का मेथड है वो है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट मेथड से आ रहा है, ठीक है। और बटन का नेम है वो है सबमिट। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम जो है वो सबमिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हम लोग का रिकॉर्ड आ गया। अब हम लोग को सबसे पहले इसको गेट करना है कि जो यहाँ पे यूजर दे रहा है, यूजर आईडी दे रहा है या फिर जो क्लास नेम दे रहा है या जो भी दे रहा है उसको यहाँ पे गेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड से आ रहा है, और जो बटन का इनपुट का नेम है उसका नेम भी नेम ही है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्यूरी चलाएंगे, एक यहाँ पे सर्च के लिए क्यूरी चलाएंगे, ठीक है। साथ में हम लोग माई एसक्यूएल को रन भी कर लेते हैं, MySQL क्यूरी, ठीक है। MySQL क्यूरी, यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग को देना होगा। फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल का क्यूरी लिखेंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो टेबल का नेम है यूजर्स है, यूजर्स, ठीक है। वेयर, इसमें वेयर क्लॉज हम लोग यूज करने वाले हैं। वेयर जहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है, स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो, अगर ये दोनों इक्वल टू हो रहा है तो यहाँ पे कर दो नेम, जो इक्वल टू नेम अगर हो रहा है तो, या फिर और में यहाँ पे लगाते हैं और आईडी, आईडी इक्वल टू, आईडी से भी सर्च कर सकता है, ठीक है। आईडी इक्वल टू नेम, ओके। और एक और लगाते हैं, और क्लास, क्लास भी चेक कर लेते हैं हम लोग। क्लास इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नेम, ठीक है। या फिर स्टूडेंट का नेम दे रहा है, या उसका आईडी दे रहा है, या फिर क्लास दे रहा है, तो रिकॉर्ड जो है वो सर्च होके आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप चलाने वाले हैं, और इस यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। साथ में हम लोग लिखते हैं MySQL फेच एरे, रिकॉर्ड को हम लोग फेच करना है इसलिए एरे एरे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्यूरी को पास कर देंगे क्यूरी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड को, जो आ रहा है रिकॉर्ड, उसको यहाँ पे हम लोग गेट करते हैं, फेच करते हैं डेटाबेस से। तो फर्स्ट में हम लोग आ जाएगा आईडी, ठीक है। आईडी के लिए यहाँ पे ले लेते हैं
रो रो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का आईडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड है वो स्टूडेंट का नेम है और क्लास है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और इसको पेस्ट कर लेते हैं। आईडी की जगह पे आ जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नेम कर लेते हैं नेम, और उसके बाद यहाँ पे हाँ क्लास आ जाएगा क्लास, और इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं चेंज करके क्लास, ठीक है। ये तो हो गया, और ये जो लूप आ रहा है इसको हम लोग नीचे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे आईडी हम लोग स्टूडेंट नेम आईडी आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पीएचपी का ब्लॉग ओपन करते हैं, उसके साथ ही इसको क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे लिख दे पीएचपी इको, फर्स्ट में आ जाएगा हम लोग का आईडी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पीएचपी को ओपन करते हैं और नीचे क्लोज भी कर लेते हैं पीएचपी इको, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम आ रहा है ऊपर से वो यहाँ पे इको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पीएचपी को ओपन करके क्लोज करेंगे। PHP इको, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा क्लास, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग टेबल के नीचे जहाँ पे टेबल हम लोग का क्लोजिंग है वहाँ पे हम लोग PHP को ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम जो लूप चल रहा है ऊपर से इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे हम लोगों ने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज़ गायब हो गया, जो टेबल आ रहा था नीचे वो गायब हो गया। अब यहाँ पे हम ID 1 करते हैं सर्च, तो आप देख सकते हैं ID 1 जो है वो यहाँ पे सर्च होके आ रहा है। ID 1 में क्या है, ID 1 में है, हाँ ID 1 है जिसका स्टूडेंट नेम विवेक है, क्लास BC है, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे नेम सर्च करते हैं नेम से विवेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं, फिर भी देख सकते हैं कि हम लोग का जो आईडी है वो आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्लास एक BCA सर्च करते हैं, ठीक है, और इसको सर्च करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं BCA का जितना रिकॉर्ड है वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। आईडी यहाँ पे BCA के लिए फर्स्ट जो सेकंड है थर्ड है और यहाँ पे फोर्थ है। फिर यहाँ पे हम लोग एक अंकुर नाम है जिसमें टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं अंकुर किसमें है, अंकुर है हम लोग का ID 6 में है, और इसका नेम अंकुर है और क्लास BC है, ठीक है। यहाँ पे अब सर्च करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं क्लास 6 यहाँ पे सर्च होके आ रहा है ID 6 स्टूडेंट नेम अंकुर और क्लास BC, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे रोहित करते हैं, रोहित नेम, तो रोहित, ठीक है, और रोहित का ID 5 है और क्लास BCA है, ठीक है। अभी हम लोग इसको सर्च करते हैं, तो देख सकते हैं क्लास ID 5 स्टूडेंट नेम रोहित और जो क्लास है वो MCA आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि सर्च कैसे करते हैं हमने डेटाबेस से। तो अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया, कोई क्वेरी अगर समझ में नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।